हैं। शिवम बाबू समझो, एक बार और समझाते हैं, समझिए। हमने क्या बोला सर, एक तो मेथड एवरेज हो गया बाबू, ऐसे निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल स्टूडेंट बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड कर। अब सर मान लो यहाँ से सर मान लो 110 दे देता, 120 दे देता, 114 दे देता, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एडिशन दे देता, तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता, ऐड करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। तो हमको स्मार्ट वर्क बताइए। तो स्मार्ट तरीका क्या बाबू कि सेकंड मेथड में हम लोग क्या करें, जो ये सब है बाबू 10 है 12, इसी में से किसी एक को एवरेज वैल्यू मान लो, किसी एक को ले सकते हो। हमको मन कर रहा है सर इच्छा 12 को ले रहा, तो 12 को ले, किसी एक को एवरेज मान लो। किसी को मन करेगा सर 10 को एवरेज मानो ना, क्या दिक्कत है, आपको उससे सिद्ध कर देते, प्रूफ कर देते, ठीक है। तो हम लोग उसको एवरेज लेंगे, उसको एवरेज लेंगे बाबू, जो लगभग क्या करे उससे हमको एडिशन या सबट्रैक्शन करने में आसान होगा, है ना, आसान होगा। तो हमने एवरेज किसका मान लिया, 13 को एज एवरेज वैल्यू मान लिया, ठीक। अब 13 को मान लिया, तो आप देखो 13 से ये कितना कम है और इधर इधर 13 से कितना ज्यादा। तो 13 से ये 10 कितना, 3 कम है तो -3 हो गया। 12 कितना, 13 से कम, -1 कम है तो 1 कम हो गया। 13 को एवरेज माने तो 13 से कितना, 0 कम है। 40 से कितना, मतलब 13 से कितना ज्यादा, 14 है, 1 तो ज्यादा। 15 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। तो जो ये ज्यादा कम आया इसका सब इसका एवरेज निकाल दो। तो इसको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, और इधर बाबू -3 कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचेगा, इस सारे का सम निकालोगे तो -1 आएगा ना, -1 है टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, -1/5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1/5 का वैल्यू कितना आता है, 0.2 आता है, तो 0.2 आ गया माइनस में। तो ये भी एवरेज आया, और एक्चुअली एवरेज हम लोग कितना निकाले, 13 माने, लेकिन आ रहा कितना, -0.2 आ रहा। तो जो भी आएगा उसको ऐड कर देना, प्लस आएगा तो प्लस करना, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना। तो 13 माने 0.2 कितना, 12.8। अब नहीं सर, अब हमारा मन कर रहा है कि हम इसको एज एवरेज लेकर करें, ठीक है, इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो, अब यहाँ पे 12 लिए ना सर, हमको मन कर रहा है सर 12 नहीं ले, भले यहाँ 13 लिया था ना, 13 नहीं लीजिए सर, 12 लीजिए ना, कौन सा लीजिए, 12 लीजिए, है ना, ठीक है, 12 लीजिए। तो 12 लेके देखो करो, डिस्चार्ज खत्म हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, लगाना तो चाहे आप लोग 12 लेके करो तो आता है कि नहीं आता है, देखो तो कीजिए कीजिए सतीश, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ ना बाबू, मान लेते बाबू हम लोग यहाँ 12 ले लेते हैं, देखो 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 12 13 14, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, देखो समझो, सर 10 से भी आ रहा है, कोई भी लो, अरे शैतान बार बार, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं हमको मन कर रहा सर 12 वाला लीजिए, लो बाबू, तो टेक एवरेज वैल्यू कितना, 12 ले लेते, 12 ले लेते, है ना, 12 ले लेते बाबू, ठीक हो। तो अब ये ले लिया बाबू, 12 ले लिया, आपको सोचना पड़ेगा 12, ये बाबू 12 से 10 कितना कम है, -2 कम है बाबू, 12 से 12 कितना, 0 गया, 13 कितना ज्यादा, 12 से 1 सर, 14 कितना ज्यादा है सर, 2 सर, 15 कितना ज्यादा है, 3 सर, ये सारे का सम निकाल दो। तो देखो ये -2, देखो डायरेक्ट होगा -2 + 2 कैंसिल, 3 + 1 कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 1 + 3 डिवाइड बाय कितना, 1 2 3 4 5 है, तो 4/5 हो गया। इसको डेसिमल में लाओगे तो कितना हो जाएगा, इसको डेसिमल में लाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो गया, ठीक। अब ये पॉजिटिव आया, नहीं पूछे तो पॉजिटिव, अब एक्चुअल कितना माने, 12 माने, और आया कितना सर, 0.8 है, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा, 12.8 हो जाएगा। तो बाबू 10 भी लोगे आएगा, 15 भी लोगे आएगा, लेकिन 12 लिए बाबू, तो इसमें हमको थोड़ा सा 12 भी ले सकते हो, है ना बाबू, 12 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसमें हमको दो गो टर्म बच गया, तो 12 भी लो, 10 भी लो, 14 भी लो, 13 कोई भी नंबर लो, एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, समझे बाबू सतीश, बहुत क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे टिक मारेंगे, देखेंगे आंसर मारेंगे, ठीक है। तो आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया एवरेज बाबू शिवानी, रेड पेन कहाँ चलोगे, ऐसी वाणी नहीं बोलोगी, आर्यन समझ में आता है बाबू, यस सर, हाँ बाबू, ये एलकेजी का तो चीज है बाबू, इफ एवरेज एज बाबू, इफ एवरेज एज बाबू, इफ एवरेज एज बाबू ऑफ 5 स्टूडेंट, लिखो 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 लिखो, ऑफ 5 स्टूडेंट बाबू इज 6, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन find the number of student, पहले हम लोगों को बना दीजिए ना, अच्छा बना बना, number of student,
क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। नेक्स्ट बाबू सर 30 आएगा क्या? स्टूडेंट्स तो दिया है ना सर 5। सर 30 आएगा क्या? एवरेज एवरेज बाबू यहां, अरे नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 का स्टूडेंट दिया हुआ, एवरेज एज दिया हुआ, तो फाइंड द बाबू सम ऑफ बाबू एज निकालना। हां सर 30 होगा सर। 30 आएगा सर 30। फाइंड द बाबू 30। अच्छा ठीक है, फाइंड द बाबू सम ऑफ देयर एज, उसके उनके एज का क्या निकले, सम निकले, सम ऑफ देयर एज, ठीक है ना। तो जो डाटा दिया उस डाटा को ये करो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर ला। नेक्स्ट बाबू लिखो जल्दी से, बनाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बाबू, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ बाबू एवरेज एज, इफ एवरेज एज, इसको बनाइए ना बाबू, ये क्वेश्चन इतना ही है। इफ एवरेज एज बाबू, एवरेज एज बाबू, एवरेज एज ऑफ बाबू अ स्टूडेंट इन ए क्लास, एवरेज एज बाबू ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, इन ए क्लास बाबू इज 8, इज 8 एंड सम ऑफ देयर एज इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। 10 10 होगा सर। 10 10 होगा सर। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। कुछ है बाबू, ये तीन फार्मूला लिखाए थे इसलिए उस तीनों फार्मूला पे हमने करवा दिया। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बाबू, लिखो शैतान। बाप रे बाप, सत्यम, प्रकाश सिंह, शिवम, ये सब बाबू तरक्की एकदम लग रहा है पबजी में, एकदम कहाँ पहुंचे बाबू, फ्री फायर, सत्यम कहाँ चल रहा है, चैटिंग चल रहा है बाबू, सब ये सब गेम खेलना शुरू कर देते शैतान का। सर अब इसका भी प्राइस रखे सर, वीडियो ऑन रखने का। हाँ बाबू इसका भी रखेंगे, वीडियो का भी रखेंगे, 100 रुपया रखेंगे आप लोग का। सर वरना ऐसे डाले इसका वीडियो ऑन नहीं रहेगा, उसका अटेंडेंस कटेगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से लिखो। आप तो 5 रुपए फाइन वाला सिस्टम तो रख ले सर, फाइन का ही नहीं करते हैं। 5 रुपए क्या होता है सर, 5 रुपए सर लेने में अच्छा थोड़ी ना लगता है सर, वैसा वैसा मत लिखिए सर इसकी। अरे 5 रुपए आप लोग से लेने की बात कर रहे हो, जिसका वीडियो बंद रहेगा उसका 5 रुपए फाइन रहेगा, ये सारा। हाँ तो वही ना, 5 रुपए लेने में क्या सर, मान लीजिए हफ्ता में महीना में 20 दिन बंद करके रखा, 20 दिन बंद हो गया तो 100 रुपए हो जाएगा ना, प्रकार 100 रुपए हो जाएगा ना सर, वो आपका घाटा कराना चाहती है सर। चलो ठीक है, जल्दी से लिखो, लिखो बनाओ सर, हो गया ठीक है। देखो शैतान क्या करना, कुछ थोड़ी करना बाबू, क्या एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का एवरेज एज दिया हुआ, मतलब क्या सर, यही वैल्यू दिया ना बाबू, 6 दिया हुआ, और नंबर ऑफ एज बाबू सम ऑफ एज ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड फाइंड देयर सम निकालना, तो सम तो हमको निकालना है सर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ सर, ठीक है कितना सर 5 है सर। अरे शैतान एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट, तो 5 स्टूडेंट हो गया सर, एज दिया हुआ यहाँ 5 हो गया, तो सम ऑफ एज कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एज कर दो, सम ऑफ एज ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए बाबू सम ऑफ एज ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये एलकेजी का चीज था, एलकेजी का चीज है ना, एलकेजी का चीज, लेकिन हमको बताना जरूरी है बाबू, बेसिक से ही बताएंगे, 6 × 5 व्हाट वी गेट बाबू 30। इसमें क्या कर रहा सर, इसमें क्या कर रहा, वही फार्मूला फिर लिखो पहले, एवरेज बराबर क्या होगा सर, सम ऑफ एज बाबू, ये जानवी शर्मा है कि चल गई, जानवी शर्मा और शिवांगी है ना, इसका भी फोन लगा ना, है ये जी टिकी हुई है, वाह बाबू, हाँ बाबू सम ऑफ एज बाबू ऑल स्टूडेंट,
सर तो शुगर एज पार्ट उसकी सर मैं ज्यादा नहीं बोलती है सर, शामिल में बहुत बोलती है। हाँ तो ठीक, सम ऑफ एज ऑफ ऑल स्टूडेंट नया बैच है ना, तो थोड़ा सा डर के लगती है बेटा क्या। अभी थोड़ा पढ़ने दो ना, अभी एक दिन दो दिन से तो आइए ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक, एवरेज सर, एवरेज हमको क्या निकालना सर, इफ एवरेज ऑफ बाबू स्टूडेंट बाबू इन क्लास ऑफ 8, एवरेज 8 दिया हुआ और सम कितना दिया बाबू 80 दिया हुआ, सम कितना दिया सर 80 दिया हुआ, डिवाइड बाय वो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एवरेज पढ़ लियो जानवी शर्मा। सर तो उनकी जो एज है सब में सर वो यही हुआ 30। हाँ बाबू ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ से बाबू नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो, पढ़ लियो एवरेज यस बाबू सर जानवी पढ़ शर्मा। लिए, यस चलो सर पढ़ ठीक है, लिए। ठीक है तो पढ़ लिए, तो अब यहाँ पढ़िए ठीक है ना। तो कितना दिन चला था स्कूल में बाबू? डेंसिटी के बाद एवरेज पढ़ा रहे सर हैं ना 5 दिन सर। अरे डेंसिटी केमिस्ट्री का चीज है बाबू मेरे प्रखर, ये मैथ का चीज है, वो कैसे आप सब मिक्स कर रहे हो, उसको केमिस्ट्री वाला नहीं कॉपी, केमिस्ट्री वाला कॉपी में लिखना है, इसको मैथ वाला हाँ कॉपी में सर लिखना है। वही कर रही हूँ। हाँ वही कीजिए, लिखो लिखो जल्दी से, यहाँ से वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो यहाँ से ट्रिगोमेट्री पढ़ो। खत्म हो गया। ट्रिगोमेट्री बेसिक पढ़ाएं बाबू, उसको फिर हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे, आपको बेसिक पढ़ाएं जितना हमको आगे यूज पड़ेगा। लगा उसके कुछ पढ़ाना होगा इसलिए सर आप बीच में से एवरेज चालू किए होंगे। नहीं शैतान, अब ट्रिगोमेट्री फिनिश हो गया, अब उसको बाबू 1 साल के बाद पढ़ाएंगे, पूरा बुक है उसको पढ़ना ट्रिगोमेट्री का, जब आप लोग का पूरा सिलेबस खत्म होगा तब फिर वो पढ़ाएंगे, मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, तब फिर वो बाद में पढ़ाएंगे, बेसिक आपको पढ़ा दिए हैं, अब 1 साल के बाद उसको पढ़ाएंगे, पहले इतना इधर खत्म कर दो। यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करो, शिवांगी रह गई ना, उसका नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहा था, तो इस संडे बाबू, और इसमें पैसा किसका बाकी है, इस बार इस वीक में किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आया था? शिवांगी का शिवांगी का आया था, अच्छा यस सर। हाँ, तो चलो 50 रुपया उसको देना नहीं सर शिवम भैया का आया था सर, है। लेकिन वो अच्छा थोड़ा 2 मिनट लेट कर हाँ, दिए थे लेट तो लेट लेट कर दिया था वो तो ना, मजबूरी था यस वो, क्या सर। करो, चलो ठीक है। तो सर यहाँ से शिवम बाबू भैया का नंबर 40 आया था ऑफ शिवांगी स्टूडेंट, का। नंबर ऑफ स्टूडेंट बाबू, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला 8 क्या चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, एलकेजी का चीज है बाबू, तो 80/8 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो कितना स्टूडेंट है बाबू, 10 स्टूडेंट है। बनाओ शैतान बनाओ जल्दी से, 130 नहीं है, सत्यम है, सत्यम तो है ही है, 70 अच्छे ना सर बाबू। सर हाँ 3x बाबू, और x² एलसीएम कितना होगा? बाबू 3x और 1 से बताओ सर, सम्या कैल्सियम बताओ, बताओ शिवम बाबू, यस थ्री सर एक्स और थ्री सर एक्स और 1x² कैल्सियम बताओ बाबू, बताओ शिवम, अपने प्रकाश बताइए जल्दी से, बच्चे हमारे सर सर 3x² का हो जाएगा सर, 3x² होगा। समझा, सर मुझे आता था, मैं खाली कंफर्म कर रहा था सर। स्क्वायर अरे मेरा आया सत्य है सर, आप कल होमवर्क दिए थे ना अच्छा सर, वो फ्रैक्शन वाला वो चेक कर रहा हाँ था। बाबू, अच्छा ठीक है, ये सब में दिक्कत है शैतानी सब, उसको दिक्कत होता है जिसको नहीं पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा तो 2.5 महीना इसीलिए ना पढ़ाते शैतान के, आप लोग जिंदगी में कभी भी ना भूलोगे। नेक्स्ट बाबू, ऐसा पढ़ाई ऐसा, अब एवरेज जैसे एवरेज सर शुरू किए, एवरेज शुरू किए, तो इसको अभी स्टार्टिंग से समझते चलो बाबू, फिर देखो मजा आएगा, जब देखेंगे आंसर आएगा, क्या केमिस्ट्री शुरू करिएगा सर, कल क्या पढ़ाइएगा? कल यही बाबू एवरेज चलेगा, 20 वीक पर एवरेज चलेगा है ना, फिर फ्राइडे सैटरडे को देखते हैं, अभी 2-3 दिन एवरेज पढ़ो ना, इसको फिनिश करते थोड़ा सा, पर खैर हमारे यही करते रहते। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू ये तो क्या था सर, अभी इतना देर क्या चला सर, अभी इतना देर बाबू एवरेज का फॉर्मूला चला, एवरेज क्या होता वो चला, उसका फॉर्मूला चला, उस पर क्वेश्चन चला, अब एवरेज में बाबू किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको क्लासिफाई किया गया बाबू 4 टाइप का, नंबर वाला क्वेश्चन बाबू, एज वाला क्वेश्चन बाबू, वेट वाला क्वेश्चन बाबू है ना, वेट वाला क्वेश्चन, तो इसको कितने टाइप से क्लासिफाई किया बाबू है ना,
फिर स्पीड वाला, एक स्पीड का जब वो डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन था, तीन चार वो टाइप का इसमें क्वेश्चन नहीं आता। नंबर वाला क्वेश्चन सर, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा सर, इवन नंबर का एवरेज निकालना, ऑड नंबर का एवरेज निकालना, नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है ये सब। उसके बाद स्पीड वाला एवरेज निकालना, फिर एज वाला बाबू, एज पे क्वेश्चन, एज पे क्वेश्चन है ना। ठीक है तो बाबू क्वेश्चन बाबू नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाबू, बेस्ट ऑफ कौन एवरेज, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे, यही तीन चार को टाइप का क्वेश्चन आएगा और इसी को हमको अप्रोच करना सुंदर से एकदम, है ना। ठीक है तो नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट देंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाबू, बेस्ट अपॉन एवरेज, है ना। ये फॉर्मूला आपको बता दे, अभी तक जो भी मेरा एक घंटा क्लास हुआ सिर्फ एवरेज क्या होता है वो बताएं और एवरेज का फॉर्मूला बताएं, उस पर तीन वो क्वेश्चन बताएं बस, और कुछ नहीं। अब हमको पढ़ने में मजा आएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाबू, एक मोहित भलुक ने ना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है सर। हो बाबू चलो अच्छी बात है, तो इसको अलग फेयर करो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाबू बेस्ट अपॉन एवरेज। तो आप स्कूल में पढ़े मोहित और यहाँ पढ़े, देखो आसमान जमीन का फर्क होगा बाबू, सीधे आसमान जमीन का फर्क होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाबू बेस्ट अपॉन एवरेज, यहाँ बाबू आपको सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करके पढ़ाएंगे। स्कूल में तो टीचर आए ये वो फॉर्मूला यही वाला लिखाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, मिस हो गया। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाबू बेस्ट अपॉन एवरेज, इसमें चार टाइप सर मैंने लिखना बाबू, चार टाइप। पहला बाबू क्या है, एवरेज रिलेटेड टू बाबू, एवरेज रिलेटेड टू नंबर, नंबर से रिलेटेड एवरेज निकालना, एवरेज रिलेटेड टू बाबू नंबर। तो जितना टाइप का नंबर रहेगा सर, कंसेक्यूटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर का हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो जितना भी टाइप का नंबर है सर, उसको हमने सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर लिया, जितना भी टाइप है उसको सारे को एक जगह कलेक्ट करके बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट एवरेज रिलेटेड टू नंबर, नेक्स्ट बाबू एवरेज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू बाबू एज, एज से संबंधित क्वेश्चन। एवरेज रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड मोशन बाबू, स्पीड चैप्टर याद है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस है अपॉन टाइम, है ना, तो उसी से। नेक्स्ट बाबू वेट, एवरेज रिलेटेड टू बाबू वेट, बताते एवरेज रिलेटेड टू वेट, वेट का मतलब क्या होता है सर। हाँ बाबू, तो ये चार को टाइप था बाबू, है ना, चार को बोलो सर। सबसे पहले क्या लिखा है, एवरेज रिलेटेड टू नंबर, नंबर नंबर नंबर, तो जितना जवाब नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हमने क्या किया, सारे को एक जगह कलेक्ट कर लिया, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, सब नंबर, है ना। अब बेसिक फंडा क्या है सर, वही फॉर्मूला, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज दे दीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। पढ़ो ना बाबू, पढ़ो ना, थोड़ा पढ़ाने दो ना, अगर अभी 6-17 तो हो रहा है सर। हाँ बाबू अभी 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 पढ़ाने दो ना, थोड़ा सा थोड़ा सा और पढ़ाने दो, थोड़ी सर हो गया ना, 6:20 में आ गए थे। मारेंगे इतना मारना छोड़िए सर, शैतान। पापा से परमिशन दिलवाओ कि हमको छुट्टी चाहिए, दिलवा देते हैं सर। देखिए सर, देखिए पहले देखिए, 6:25 में स्टार्ट किया थे तो 6:25 में छोड़ दी थी बस। हाँ ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, पढ़ चुके मान सर। एक घंटा, एक घंटा क्या बाबू, ऐसा नहीं, मेरे यहाँ घंटा ये नहीं चलता, स्कूल नहीं है कि 45 के बाद। पहला हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, पहला देंगे एवरेज रिलेटेड बाबू, एवरेज रिलेटेड टू नंबर, नंबर पहला हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे सर। हाँ बाबू, अरे क्वेश्चन है, अरे ये बाबू इस टाइप पे क्वेश्चन आएंगे, एवरेज नंबर से रिलेटेड सारा एवरेज का क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर दिए, स्पीड से, एज से रिलेटेड, जैसे आपका एज, आपका एज 10 साल, आपके पिताजी का एज 40 साल, है ना, तो उसका एवरेज ऑफ एज निकाल, एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमने एज इस सेक्शन में कर देंगे, स्पीड चोर पुलिस वाला यहाँ पे कर देंगे, और वेट वाला बाबू जैसे मान लो 10 स्टूडेंट है, 10 का बाबू ट्रॉफी बांटा गया, वो वेट का आता है फ्रीक्वेंसी, और ये बाबू उसका नंबर मल्टीप्लाई करके F1 X1 F2 X2 ऐसे करता है ना, तो उसको हम लोग उसको वहां पे बना देंगे। ठीक है तो अब जितना भी बाबू नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इवन नंबर को सारे को हम लोग इसी में कर लेंगे, इसी में कर लेंगे, है ना, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला बाबू ये मेरा ये है, इसमें क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन बाबू फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 2 3 4 है बाबू, तो इसमें बाबू कैसे दे, ए बी सी डी दे,
चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखते हैं ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है बाबू? ठीक है, फाइंड द सम, फाइंड द एवरेज बाबू, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज बाबू, एवरेज ऑफ बाबू, एवरेज ऑफ नंबर, एवरेज ऑफ नंबर बाबू, जैसे क्या दिया सर, 10 दिया हुआ, और क्या दिया बाबू, 12 दिया हुआ, 13 दिया हुआ है ना, 15 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, अब मान लो बाबू ये 14 भी दे दिया, ठीक, अकारा इसका एवरेज निकालो, इस नंबर का बाबू क्या करो, फाइंड द एवरेज बाबू नंबर, इसका एवरेज निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो दो मेथड बाबू, दो मेथड, तीन मेथड, जितना भी मेथड है ना, ठीक है सर, दोनों मेथड से बनाना है, 70/6 सर, 30, ठीक है, ठीक है, पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं, तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे, बार बार कितना फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज निकालेंगे सर, एवरेज निकालेंगे, है ना बाबू, एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, सारे का सम करो, 10 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 अपॉन बाबू टोटल नंबर, दो दो चार छह है, 6 हो गया, अब इसका सारे का सम निकालो, एवरेज क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर बटा टोटल नंबर, तो सम ऑफ ऑल नंबर इतना हो गया, अब इसको सम करो, है ना, सम करो, थको, फिर इसका सेकेंड मेथड बताते हैं, सम करने में परेशानी हो रहा है ना, कैसे अटक रहे हो, अटक रहे हो, है ना, हमको, है ना, हमको भी डर लग रहा, 70 आया है ना बाबू, 12 10 12, अरे शैतान वो जखनी वो दूसर था बाबू, देखो हमको भी डर लग रहा, आपको भी डर लग रहा, ठीक है ना, सम करने में सर आलसी आदमी है ना, तो इसको अभी हम थोड़ा होल्ड करते, इसका सेकंड मेथड बताते, तब आपको पता चलेगा, जल्दी से लिखो, लिखो सर, 13.3 आएगा सर आंसर, अच्छा ठीक है बाबू, जो भी आवे, ठीक है ना, जो भी आवे, इसको जल्दी से लिखो, फिर इसका सेकंड मेथड बता रहे हैं, देखो कैसे बिना कैलकुलेशन का होगा, एक वो आया था गया सर, n into n plus 1 by 6 वाला, नहीं बाबू, देखो 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 बाबू, इसको थोड़ा ऐड करने में सर परेशानी हो रहा है सर, और थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा ठंडा, हाँ बाबू बोलिए शिवम, ऐड करके 70 होगा वो, अच्छा 70 आएगा, चलो जो भी आ जाए, 80 आएगा सर, अच्छा देखो सारे को दिक्कत हो रहा है ना, सारे को टेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐड करने में, है ना, तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे अल्टीमेटली, तो इसको ऐड करके आपको बताएंगे, बताएं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा है सर, थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो देखो कैसे करोगा स्मार्ट वर्क, देखो सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड कौन कौन से नंबर है सर, 10 है सर, 12 है सर, 13 है सर, 14 है सर, 15 है सर, और 16 है, यही है ना बाबू, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, जो भी, अब इसमें हम कह रहे हैं सर कि कोई एगो एवरेज मान लो, किसी को इच्छा उसको मान लो, 13 all 1/3 आता, अच्छा ठीक है, अब किसी को एक मान लो, लेट बाबू, लेट बाबू, टेक किसी एक को मान लो, लेट बाबू टेक एवरेज वैल्यू बाबू, एवरेज वैल्यू मान लेते, किसी एक को एवरेज वैल्यू मान ले, 10 को भी ले सकते हो, 12 को ले सकते हो, 13 14 15 16, तो हम लोग थोड़ा सा बीच वाला लेने की कोशिश करते हैं, 12 by 10 = 15, मान लेते 14 ले लेते, क्या ले लेते बाबू, 14 ले लेते हैं, 20 से लेंगे बाबू तो हमको क्या होगा, आधा आधा कैलकुलेशन करना आसान होगा, एवरेज वैल्यू क्या ले लिया बाबू, 14 ले लिया, ठीक, अब सुनो सुनो, देखो कैलकुलेशन से कैसे बचोगे, आलसी आदमी, दुनिया का सबसे तेज आदमी कौन होता है, जो सबसे ज्यादा आलसी होता है, आलसी को कोई काम करने का हो ना बाबू, तो कोई आपको वो शॉर्टकट तरीका निकालिए देगा, है ना, कैसे करो, है ना, तो आपको कोई काम करवाना बाबू तो आलसी आदमी से करवाइए, ठीक है ना, कोई जल्दी से कर देगा, अब 14 ले लिया एवरेज वैल्यू, तो 14 से 10 कितना कम है सर, 4 कम है, तो -4 होगा, 14 से 12 कितना कम है सर, -2 कम है, 14 से 13 कितना कम है सर, -1 है, 14 से 14 कितना कम है, 0 है बाबू, 0 है, 15 बाबू कितना ज्यादा है 14 से, +1 ज्यादा है, 16 कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, यही है ना बाबू, इस सारे का सम निकालो, इस सारे का सम निकालो, तो कितना आएगा बताओ, सारे का सम बाबू LKG, ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा सारे का सम, -4, हाँ -4, देखो -4, देखो ये 2 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, ये 1 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, तो इसका सम कितना आ गया, इसका सम कितना आ गया, इसका एवरेज डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो इसका शैतान बाबू समझो समझो, कुछो नहीं किया बाबू, कुछ नहीं किया, हमको डर लग रहा है, अब इसमें क्या डरना, इसका डायरेक्ट एवरेज निकाल दो, तो क्या बचा सर, -4 बचा, और डिवाइड कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 हो गया,
तो 4/6, 4/6 का वैल्यू डेसिमल में कितना आ जाएगा? 0.67 माइनस 0.67। अब इतना आ गया सर, हमको 7 नहीं लिखने का मन कर रहा था, मत लिखो, एक डिजिट लिखो। तो एक ये आया बाबू, तो इसलिए अब जो एवरेज होगा, इस जो इसलिए जो अब एवरेज होगा, 666 आता रहेगा, उस पर रिएक्टिंग होगा, तो 6 के जगह 7 लिखिए। अच्छा लिख सकते बाबू, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते बाबू मेरे, ठीक है ना। अब जो एवरेज होगा बाबू, एवरेज जो होगा बाबू कितना आएगा सर, पहले से कितना सर था, 14 सा था, अब कितना बाबू, -0.67 है, तो इसको सबट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13.33 करके आ जाएगा, है ना। तो ये एवरेज आ गया कि नहीं बाबू? इसमें देखो, इस मेथड में क्या है, कैलकुलेशन आसान है ना, वो कैलकुलेशन आसान है। इस मेथड में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। अब इसको सारे को ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करवाओ तो 16, 15 कितना हो जाएगा, 31, 31 से 14 कितना हो जाएगा, 45, 45 से 13 कितना हो जाएगा, 45, 13, 58 हो जाएगा, 58, 12, 70, 70, 10, 80 अपॉन तो 40 अपॉन 0.68.3 ये 40/3 हो जाएगा। तो ये बाबू करोगे तो 13 कितना आ जाएगा, 40/3 का करो 13.33 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ठीक है सर। ऐसे ऐसे निकालोगे बाबू, कैलकुलेशन आपका आसान होगा, ऐसे निकालोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। तो स्कूल में ये सब मेथड बताया जाता है कि ऐड करो, बताइए करो, हम आपको स्मार्ट वर्क बताएंगे कि एक एवरेज वैल्यू ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, है ना, और उससे क्या करो, उससे कितना ज्यादा कितना कम है, कैलकुलेट करो, आई जी से कैलकुलेट करो। अभिनय प्रकाश समझ में आया बाबू? अभिनय यस सर। हाँ बाबू, अरे शैतान कहे छोड़ दे बाबू, कितना हुआ बेटा, 7 बजे क्लास है, 4 मिनट तो 7 सर 36 हो गया, तो हो गया तो का, तो कल से आप लोग 5:20 में आ जाइए, तो लेट से मत आइए, ठीक है ना, 5:20 में आओगे कि 5:30 में? रोज तो 5:20 ही में आते हैं। वो टाइम से बाबू, चूंकि मैथ है ना बाबू, तो मैथ हम ज्यादा लिख, देखो इतना दिन केमिस्ट्री में शुरू में आते थे, तुम 5 मिनट लिखा देते थे, कल तो बोले थे कि 30 से में आना है, 30 में आओगे? नहीं सर, कल आपने बोला था।